In this video, I am going to talk about harmonic mean. Harmonic mean is different for ungrouped data and grouped data. Two steps hain hamare paas harmonic mean find karne ke liye. Step one is the sum of reciprocal of all values divided by total number of values. Ye hume 1 over h de dega. Phir hum harmonic mean simply iska reciprocal lenge to hamare paas aa jayega harmonic mean. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखेंगे, अनग्रुप डाटा है हमारे पास 1, 5, 6, 9, ये दिस इज द क्वेश्चन मार्क 1, 5, 6 एंड 9. तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले आप लो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल वैल्यूज, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल वैल्यूज और उसका सम ले लिया, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3 एंड 4, 4 वैल्यूज हैं हमारे पास. इसका जिस हमारे पास सॉल्व करने के बाद आता है, आती वैल्यू आती है, दैट इज 133/360. अब इस वैल्यू का हमने रेसिप्रोकल लेना है. ये हमारे पास आया 1/h, हमारे पास आ गया, तो इसका हमने रेसिप्रोकल लेना है. तो 360/132.706. दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल वैल्यूज, ये वैल्यूज हैं, इनका रेसिप्रोकल लिया और उस रेसिप्रोकल का सम ले लिया, फिर उस सम को डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से. जब जो आंसर आया उसको हमने दोबारा रेसिप्रोकल ले लिया उसका, तो हमारे पास हार्मोनिक मीन हमारे पास डेवलप हो गया. अगर हम बात करें ग्रुप डाटा की, तो ग्रुप में फ्रीक्वेंसी का फैक्टर इंक्लूड होगा. सो एच इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वैल्यू और फिर उसका डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. अगर हम सिंपली ये इस पूरे फैक्टर को कोऑर्डिनेट करवाएं तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है. ये जो f1+f2+fn तक हमारे पास वैल्यूज होंगी, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बन जाएंगी, सिग्मा f बन जाएंगी, ये इक्वल हमारे. अब हम देखते हैं स्टेप्स क्या हैं कि टेक रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू, कि हमारे पास जो x है, हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 है, हमने उसका रेसिप्रोकल लिया मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी. व्हाई आर वी मल्टीप्लाइंग बाय फ्रीक्वेंसी? ठीक है, रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल को जो रेसिप्रोकल आया उस रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये f1/x1 इस ये क्या है, f1/x1 यही है ना, कि f1 × 1/x1 जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल को हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, फिर उस फ्रीक्वेंसी सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया, ये प्लस का साइन ऐड कर लिया, डिवाइड किया बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया और फिर एक और दफ़ा रेसिप्रोकल ले लिया, ये वाला रेसिप्रोकल ले लिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, सो हमारे पास दी होंगी क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी, क्लासेस और दी होंगी साथ फ्रीक्वेंसी दी होंगी, तो मतलब हमें पता चल जाएगा ग्रुप डाटा है हमारे पास. तो हमारा फॉर्मूला क्या है रेसिप्रोकल ऑफ दिस? सबसे पहला स्टेप कि हमने हमारी जो मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट हमारे पास वो फाइंड करना है, क्योंकि हम खुद ही भी देखते हैं तो x1 क्या, कि इसमें क्या होना चाहिए x1 हमारे पास. तो x इज द मिड पॉइंट फॉर अस, 65+84/2 विल गिव अस द मिड पॉइंट, दैट इज 74.5. अब हमने क्या किया, इसका 1 ओवर x लिया, 1 ओवर x को मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी के साथ, 1 ओवर x को मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी के साथ और उसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आंसर आ जाएगा. इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं कि ये हमारे पास फॉर्मूला था f1/x1, f1 इज दिस फॉर एग्जांपल 9 और x1 हमारे पास जो मिड पॉइंट है दैट इज 14.5. इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों एज कंपेयर टू फिजिबिलिटी है. 9/14.5, 10/94.5, 17/114.5, 10/134.5, 5/154.5 और सारी इस तरह फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया मिड पॉइंट से. और नीचे हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी था, तो इसका अगर हम सम लें तो हमारे पास आता है 60, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दिया. सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0.515/60. अब अभी भी ये वाला रेसिप्रोकल रहता है, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज 8.58, जो हमारे पास इंडीड है हार्मोनिक मीन. तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे इसको कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी
मतलब अगर हम रेसिप्रोकल लें तो फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करने का, या सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे मिड पॉइंट के साथ, सम ले लेंगे सारों का, फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, और एक और दफ़ा रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। सो दैट इज इट अबाउट द हार्मोनिक मीन।